स्वागत है जी थोड़ा सब का थोड़े अपने यूट्यूब चैनल के जिसका नाम है मित जिंदल। दोस्तों जेकर तुम मेरे इस चैनल के उपर नवे हो तो चैनल में सबसक्राइब करो, जेकर वीडियो वधिया लगे तो वीडियो में लाइक जरूर करो तो कमेंट करके दसो कि तुहानू वीडियो किस तरह की लगी। अज की इस वीडियो के गलबात करांगे कि गुरु साहिबाना द्वारा रचिया वारा केड़ियां पुरातन वारा दियां धुनिया उपर गाउन का आदेश दिता गया है। तो जिमें सारे पता है कि श्री गुरु नानक देव जी ने श्री गुरु अमरदास जी, श्री गुरु रामदास जी और श्री गुरु अर्जन देव जी ने 21 वारा की रचना की है, परंतु कुल 22 वारा ने जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विच दर्ज ने। तो 21 वारा तो बाद जो एक वार है वह गुरु घर के निकटवर्ती सत्य बलवंड की वार है। तो इन 21 वारा के श्री गुरु नानक देव जी दियां 3 वारा ने, तीजे पातशाह श्री गुरु अमरदास जी दियां 4 वारा ने, सब तो वध वारा ने श्री गुरु रामदास जी दियां 8 वारा ने, ते उस तो बाद ने श्री गुरु अर्जन देव जी दियां 6 वारा। तो इस तरह चारे गुरु साहिबाना द्वारा रचिया वारा की कुल गिनती 21 हुंदी है। तो देखते हैं जी इन्हां वारा दे विचों केड़ियां वारा नूं पुरातन वारा दियां धुनियां उपर गाउन का आदेश दिता गया है। दोस्तों लड़ी नंबर एक पास है पुरातन लोक वार का नाम, तो दूजे पास है गुरु साहिब का नाम, तो तीजा वार का की नाम है। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है क्योंकि इस तो बाद इस वीडियो नाल संबंधित तो बहुत ही महत्वपूर्ण MCQ का टैसट लैके आ रहे हैं, जिदे विच आपां करांगे कि पूर्व नानक काल अते नानक काल दे विच जो वारा रचिया गई ने वह केड़ियां केड़ियां वारा ने, किस तरह ने उन्हां नाल संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ने जो कि हर तरह के स्क्रीनिंग टैसट पंजाबी दे लई बहुत ही महत्वपूर्ण ने। हाँ जी, पहले है जी टुंडे असराजे की वार। इस वार की धुनी के उपर श्री गुरु नानक देव जी की वार है जो आसा की वार, उसनू गाउन का आदेश दिता गया। तो दोस्तों उम्मीद करदा कि जेकर यह वीडियो तुम ध्यान देख ली तो यह प्रश्न तुम कदे भी नहीं भुलोंगे। टुंडे असराजे की वार के उपर आसा की वार, तो इसका संबंध है श्री गुरु नानक देव जी नाल। दूजा जी राणे कैलाश तथा मालदेव की वार की धुनी के उपर मलार की वार गाउन का आदेश दिता गया है, जो कि मलार की वार है, श्री गुरु नानक देव जी की वार है। तीजा जी मलक मुरीद तथा चंद्रहड़ा सोहिया की वार, इस वार की धुनी के उपर माज राग की वार है जो उसनू गाउन का आदेश दिता गया है, जो कि श्री गुरु नानक देव जी की रचना है। तो दोस्तों इस तरह तुसी देख सकते हो कि श्री गुरु नानक देव जी ने 3 वारा ने, तो तिने वारा पुरातन लोक वारा दियां धुनिया उपर गाउन का आदेश दिता गया है। आसा की वार, माज की वार, तो मलार की वार, 3 वारा ने श्री गुरु नानक देव जी दियां। ये भी बहुत बढ़िया इंपोर्टेंट प्रश्न बन रहा है। चौथा जी सिकंदर इब्राहिम की वार की धुनी के उपर गुजरी की वार गाउन का आदेश दिता गया है, जो कि श्री गुरु अमरदास जी की रचना है। अगे है जी पंजवा जोधे वीरे पुरवाणी की वार, श्री गुरु अमरदास जी की वार है जो रामकली राग की वार है, उसनू गाउन का आदेश दिता गया है। तो दोस्तों इन्हां 5 वारा के बारे तुसी पहला चंगी तरह ध्यान नाल पढ़ लो, ज्यादा तुसी स्क्रीनशॉट लैके रख सकते हो, तो रिविजन करन तो बाद तुहाडे याद हो जाएंगे। इस तो बाद अगे वधदे हां, 6वां गए जी अगे लल्ले वहलीमे की वार, इस वार की धुनी के उपर वडहंस की वार गाउन का आदेश दिता गया, जो कि श्री गुरु रामदास जी की वार है। तो श्री गुरु अमरदास जी ने जो तीजे गुरु ने उन्होंने 2 वारा ने पुरातन लोक वारा धुनिया उपर गाउन का आदेश दिता गया। हाँ जी लल्ले वहलीमे की वार है, वडहंस की वार, श्री गुरु रामदास जी की रचना है। अगे जी 7वां हसने महमे की वार, श्री गुरु रामदास जी की वार है जो सारंग की वार, उसनू गाउन का आदेश दिता गया। 8वें दे विच है जी मूसे की वार, इस वार की धुनी के उपर कानड़े की वार गाउन का आदेश दिता गया है, जो कि श्री गुरु रामदास जी की वार का नाम है। तो इस तरह जी श्री गुरु रामदास जी दियां 8 वारा के विचों 3 वारा ने जो
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਤਨ ਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵਡਹੰਸ ਦੀ ਵਾਰ, ਸਾਰੰਗ ਦੀ ਵਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੜੇ ਦੀ ਵਾਰ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਨੌਵਾਂ ਰਾਏ ਕਮਾਲ ਮੌਜ ਦੀ ਵਾਰ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਧੁਨੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਗਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਗੌੜੀ ਦੀ ਵਾਰ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਰਾਤਨ ਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। UGC ਨੈੱਟ, ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਪੰਜਾਬੀ, CTET, PTET, HTET ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੈੱਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾਓ ਤਾਂ